12 गोल खा लेंगे पर तेरवा अपना होगा। सूरमा, ऐसा लगता ही नहीं है कि आप और संदीप सिंह में कोई अंतर है। आप बिल्कुल ढल चुके हैं उस कैरेक्टर में। आपकी जर्नी के बारे में एज सूरमा, एज संदीप सिंह, आप थोड़ा सा अगर बता सकते हैं तो। हेलो गाइस, नमस्ते सबको। और सूरमा का ट्रेलर अभी आपने देखा। ये फिल्म जब पहले मुझे ऑफर हुई थी तो मुझे लगा कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने कभी कोई हॉकी, मैंने कोई भी स्पोर्ट्स खेला ही नहीं कभी लाइफ में। लेकिन स्नेहा मैम और शाद सर, उन्होंने मुझे एग्री किया। और जब मैंने स्टोरी सुनी संदीपा जी की, इज़ अ लिविंग लेजेंड, वो हमारे साथ ही हैं। प्लीज़ संदीपा जी, आप स्टेज पर आ जाएं। एक्चुअली ही इज़ द हीरो जो आज की फिल्म के हैं, संदीपा जी। मैंने बहुत सुना है लिविंग लेजेंड के बारे में। एक्चुअली सूरमा, एक्चुअली संदीपा जी सूरमा है। ऐसी सिचुएशन अगर किसी की लाइफ में आ जाए तो शायद ही कोई कम बैक कर पाएगा। तो मेरी लाइफ में मैंने पहला ऐसा इंसान देखा है जिसने ऐसा कम बैक किया। मैं चाहता हूँ कि मैं नहीं, आज संदीपा जी खुद ही बोले। थैंक यू दिलजीत पाजी, शाद सर, एन पी सर, स्नेहा मैम, चित्रांगना मैम, दीपक सिंह पाजी, एंटायर सोनी टीम, इंटायर प्रोडक्शन, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। शंकर एहसान लोए, टीम म्यूजिक, गुलजार साहब, बिकॉज मेरे को खुद पे बिलीव नहीं था कि मेरी इतनी अच्छी स्टोरी बन पाएगी। आई नो मैंने लाइफ में बहुत हार्ड वर्क किया है। मेरे ब्रदर विक्रमजीत सिंह, उन्होंने बिगनिंग में मेरा बहुत साथ दिया, लाइक अ ब्लिंकर, एक घोड़े का होता है ना कि आँख के सामने लगा के रखना, एक ही रास्ता दिखाना, गोल, बस वही गोल है, उसी को अचीव करना है। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जैसे मेरा स्पोर्ट्स कैरियर ख़त्म हुआ, दीपक पाजी और चित्रांगदा मैम कहते कि हम आपकी स्टोरी को बड़े स्क्रीन पर लेकर आएंगे। वो स्क्रीन आज आपके सामने दिख रही है। एक ही वर्ड था चित्रांगदा मैम का कि संदीप वेट करो, पूरी दुनिया को मैं ये कहानी दिखाऊंगी। उसके बाद स्नेहा मैम, एन पी सर, प्रांजल पाजी, इन लोगों ने कहा कि ये अब तुम्हारी कहानी नहीं, अब ये हमारी कहानी है, हम इसको पूरी दुनिया को दिखाएंगे, वेट करो। इंजन तैयार था, ट्रेन बिल्कुल रेडी थी, लेकिन विदाउट इंजन, मतलब कहते हैं कि ट्रेन चलती नहीं है। शाद सर आए इंजन के रूप में। शाद सर ने आते ही कहा कि संदीप मैं भी एक हॉकी खिलाड़ी रहा हूं। तब तक मुझे शाद सर के बारे में, बिकॉज मैं बॉलीवुड को मूवीज देखता हूं, मुझे थोड़ा कम हिस्ट्री का पता है, लेकिन मूवीज़ देखता हूँ मैं, आई लव म्यूज़िक, आई लव मूवीज़। तो शाह सर कहते कि हॉकी प्लेयर हूँ मैं, हॉकी की फीलिंग समझता हूँ, मेरे पे बिलीव रख, भरोसा रख। और आज आपके सामने है दिलजीत पाजी, तापसी मैम, अंगद पाजी, इससे अच्छी कास्टिंग नहीं हो सकती है। अब जो आपने कह दिया है संदीप सिंह के लिए, सबसे पहले तालियां, दैट इज हियर, ही इज अमंगस्ट अस। एंड कैन आई प्लीज कॉल अपॉन तापसी पन्नू एंड अंगद बेदी ऑन स्टेज। फ्रॉम पिंक टू जुड़वा टू नाउ टू सूरमा, वॉट वॉज इट लाइक टू प्ले अ हॉकी प्लेयर? वॉट वॉज इट अबाउट द ट्रेनिंग दैट यू सेड नो, मुझसे शायद ये थोड़ा टफ है, मैं कल आऊंगी? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं बोला था मैंने, कोच सर ऐसा तो नहीं बोला था मैं कल आऊंगी। एक्चुअली बहुत टाइम से ये था कि स्पोर्ट्स फिल्म करनी है, एक स्पोर्ट्स प्लेयर को मैं एक्चुअली में एक रियल हीरो मानती हूँ। तो मेरे लिए एक तरह का वो था कि गोल पॉइंट, कि मेरे को एक स्पोर्ट्स प्लेयर प्ले करना है। अब संदीप सिंह तो नहीं हो सकती मैं, सो नॉट इन दिस लाइफ बिकॉज यू आर अ वुमन, नॉट इन दिस लाइफ। सो या सो, बट इट वॉज सच एन ऑनर टू बी एसोसिएटेड विद दिस फिल्म, स्पेशली क्योंकि ये ट्रू स्टोरी थी। और एक तरह का ना गिल्ट था कि स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट हूँ मैं, बहुत फॉलो करती हूँ हर तरह के स्पोर्ट्स, बट एक तरह का गिल्ट था कि ये स्टोरी क्यों नहीं पता थी मुझे। इनफैक्ट हमारे खुद की कंट्री की, हमारे एक्स कैप्टन की, माई फादर यूज टू प्ले हॉकी एट नेशनल लेवल,
बट नहीं पता थी मुझे ये स्टोरी, तो वो बहुत बहुत गंदा वाला गिल्ट था जो कि मैं आई वॉन्टेड टू गेट रिड ऑफ इट बाय इन अ वे बाय डूइंग दिस फिल्म एंड मेकिंग श्योर दैट दिस स्टोरी रीचेस लाइक द एंटायर वर्ल्ड नॉट जस्ट इंडिया. सो या उसकी वजह से ये करना ही था. Can I please call upon the legend, and I'm not just frivolously using it, Gulzar Saab and Shankar Ehsaan Loy. Can you please join us? गुलजार सर, बहुत बड़ी फैन हूँ आपका. जो एसोसिएशन रहा है शाद सर के साथ में, काफी इनक्रेडिबल रहा है. सो ये जो एसोसिएशन है, थैंक्स टू दिस एसोसिएशन वी हैव इनक्रेडिबल म्यूजिक. तो आप क्या कहना चाहेंगे सूरमा के म्यूजिक के लिरिक्स के बारे में सर? जी, म्यूजिक के बारे में तो बाद में बात करेंगे. पहले जिन लोगों ने ये मिरेकल किया है, मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ सबको, और संदीप जी को जिन्होंने ये जिंदगी का एक करिश्मा है, जिंदगी का एक मौजजा है, जिंदगी का एक मिरेकल जो पैदा किया उन्होंने. कहानी तो उसके बाद बनी, पहले तो हकीकत थी, अब उसके बाद उसे ड्रामेटाइज करके जो शाद ने काम किया है वो शाद पे. जब शाद साहब ने मुझे कहानी सुनाई थी, मुझे लगा तो मैं कहा ये असल कहानी सुन के तो जी भर आया. तुम्हारी स्क्रिप्ट बाद में पढ़ूंगा, लेकिन जो असल कहानी सुनाई उन्होंने उसी वही सुन के जी भर आया था. काम मुश्किल है, लेकिन तुम सारे ही मुश्किल काम हम करते करते आए हो, कर लोगे, ये भी कर लोगे, लेकिन पता नहीं पहुंची जरूर होगी. मैंने मुबारकबाद उस वक्त संदीप जी के लिए भेजी थी, वो वक्त था. और फिर कुछ नाम में तब्दीली हुई और फाइनली नाम सूरमा करार पाया, और आज यहाँ आके लगता है कि सूरमा एक नहीं, सूरमा बनाने वाले बहुत से सूरमा हैं जो इस सब में शामिल हैं. इन सब कई सूरमा हैं. सबसे पहले आपका रिएक्शन क्या था, क्योंकि जैसे आपने पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी और आपने कितने उतार चढ़ाव है उनकी लाइफ में वो जाने, आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था आफ्टर रीडिंग द स्क्रिप्ट? The second question is कि कोई एक ऐसा tough part जो आपको लगा हो, जो आपको करने में बहुत मुश्किल आई हो इस फिल्म के दौरान? जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो डेफिनेटली जैसे शाह सर ने मुझे बताया था थोड़ा पहले, तो बिलीव नहीं हुआ और मुझे लगा कि यार ये स्टोरी. पहले तो मैं स्नेहा मैम के पास गया, मैं कहा कोई भी फिल्म करा लो, फ्री में करा लो, हॉकी पे मत कराओ, बहुत मेहनत लगेगी और शायद मैं कर नहीं पाऊंगा, कोई और रोमांटिक या कोई ऐसा कुछ फिल्म करा लो. तो ये लोग बहुत कन्विंस थे, तो मैंने फिर स्टोरी पढ़ी सुनी, तो उसके बाद मुझे लगा कि मैं बहुत गलत डिसीजन लेता अगर ये फिल्म मैं नहीं करता फिल्म अपने करियर में. सो दूसरा आपका सवाल था कि मुझे क्या मुश्किल, यानी कुछ खास मुश्किल हुआ नहीं, क्योंकि शाद सर थे और बहुत ही प्यार से सारी टीम सोनी की बहुत प्यार से सबने शूट किया, तो मुझे ऐसा कोई मुश्किल तो कुछ नहीं लगा और मैं एंजॉय करता हूँ जब भी काम पे. संदीप जी, आपसे भी एक क्वेश्चन है. जैसा इन्होंने बताया यू वर देयर ड्यूरिंग द शूट्स एंड ऑल, कोई ऐसा सीन या कोई ऐसा हो जिसमें आप यू नो इमोशनल हो गए हो किसी और को अपनी यू नो लाइफ की जर्नी दिखाते हुए, ऐसा कोई सीन हुआ? देखिए, जब भी मूवी शूट हो रही थी ऑल द टाइम हम सेट पे रहते थे विक्रम पाजी और मैं, तो हमें एक ही चीज़ आता था कि ये चीज़ दोबारा हो रही है, लेकिन कर दिलजीत पाजी रहे हैं, लेकिन वो सेम डिटो कॉपी दोबारा दोहरा रही है मेरी लाइफ में. तो वो मोमेंट्स मेरे जो आज से 10 साल पहले 2006 2004 की जो जर्नी है, वो जो एक हार्ड टाइम था, वो दोबारा सामने से मैं देख रहा हूँ, तो ऐसा महसूस होता था. पाजी, मैं जब काम करता हूँ सेट पे तो मैंने कभी ऐसा फील नहीं किया कि ये पंजाबी फिल्म है या बॉलीवुड फिल्म, हिंदी फिल्म है, तो मैं अपना सिर्फ काम करता हूँ. अब ये कितने थिएटर्स में लगेगी, कहाँ कहाँ पहुँचेगी और कितने कितने लोग इसको देख पाएंगे वो पता नहीं. मैं तो खुश हो जाता हूँ
जब सोशल मीडिया पे या कोई मुझे मैसेज करता है कि हमने आपकी फिल्म देखी है, कभी कोई मिलता है, अभी इस फिल्म की जर्नी कहाँ तक पहुँचेगी नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि हम सबको ये फिल्म तो ज़रूर देखनी चाहिए संदीप जी के लिए, इतनी इंस्पायरिंग स्टोरी है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ स्पोर्ट्समैन हैं तभी ये फिल्म एंजॉय कर पाओगे, मुझे लगता है लाइफ में बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब हम डाउन हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि ये शायद हमसे नहीं हो पाएगा काम, तो वो एक बहुत अच्छी और तगड़ी इंस्पिरेशन इस फिल्म से मिलने वाली है। सो आई होप सबको अच्छी लगे। दिलजीत जी, एक और क्वेश्चन था आपसे, आप अक्सर अपनी फिल्मों में गाने गुनगुनाते हैं, क्या आपने इस फिल्म में भी प्लेबैक किया है? थैंक गॉड, शाद सर का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैंने एक शो किया था राइजिंग स्टार शंकर जी के साथ, और मैं जब भी साइड में बैठ के सुनता था गाने शंकर जी के, इतने कमाल के और इतने सुपरहिट गाने इन्होंने अपनी लाइफ में बनाए हैं, मैं कभी इमेजिन भी नहीं करता था कि मैं इनके म्यूज़िक में कभी गा पाऊँगा। इस फिल्म के ज़रिए गुलजार साहब से मिलना बहुत बड़ी बात थी लाइफ में, शायद मेरी उतनी औकात नहीं कि मैं उनको कभी मिल पाऊँ लाइफ में, ना ही मेरा कोई इतना कनेक्शन है, तो उनकी रचना, लिखी हुई रचना को गाना और शंकर सर के म्यूज़िक, शंकर ईशान लॉय के म्यूज़िक में गाना, ये मेरे लिए बहुत 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 बड़ी बात है। ये इक्वल ऐसे बात है जैसे मैंने फिल्म की और वो गाना, मैंने एक गाना गाया इस फिल्म में, वो आप लोग जल्दी सुनेंगे। क्या बुला सकते हैं? सुंदर। हाँ बुलाओ ना प्लीज। ओके ओके, सुंदर जी, क्योंकि हम आपकी फिल्मों में, क्योंकि हम आपकी फिल्मों में देखते हैं आप ऐसे फाइट करती हैं और अपने अंदाज से लोगों को मार के गिरा देती हैं, तो इस फिल्म में भी आप ऐसा कुछ हमें देखने को मिलेगा या कुछ डिफरेंट होगा? एक बार ही मुझे हीरोइन बनने दो ना। मैं हीरोइन, मेरे को फॉर अ चेंज इस पिक्चर के अंदर, मैं बहुत ही, हाँ, स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, तो जब ऑन फील्ड होंगे तो उस टाइम आप काफी अग्रेशन देखेंगे, बट इन लाइक ऑफ फील्ड लाइफ जो होगी वो हरप्रीत की बहुत एक कॉय शाय बहुत प्यारी सी हीरोइन जैसी लड़की होगी, प्लीज। तो कुछ थोड़ा सुंदर सुंदर हीरोइन जैसी लड़की होगी, बहुत सुंदर। और थैंक यू टू गाइस। हाय, हेलो। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि एक्टिंग में तो आप अपने जलवे दिखा ही चुके हैं, बट आपके म्यूजिक में भी काफी लोग आपके फैंस हैं, करोड़ों फैंस हैं। रिसेंटली आपका एक शो था बर्मिंघम में जो हाउसफुल हुआ, विच इज अ वेरी बिग अचीवमेंट, कैन यू टेल अस समथिंग अबाउट दैट? जी हाँ, जब भी बाहर शोज होते हैं तो सब सपोर्ट करते हैं म्यूज़िक को, वो म्यूज़िक की वजह से ही बर्मिंघम में मेरा लास्ट शो था और वो सेल आउट हुआ अरीना, बहुत अच्छा लगा। आप दिखेंगे संदीप जी इसमें फिल्म में बीच में एज कैमियो या कुछ? देखिए, दिलजीत पाजी संदीप सिंह का किरदार किया है और मुझे नहीं लगता कि इससे ऊपर कोई कर सकता है। एकात तोड़ी झलक तो होनी चाहिए ना। विक्रम पाजी का कैमियो है फिल्म में, विक्रम पाजी कर रहे हैं, लेकिन दिलजीत पाजी, मैं कहूंगा कि दिलजीत पाजी से बढ़कर कोई और इस करेक्टर को नहीं कर सकता था, और इससे बड़ा, मैं कहूंगा कि इससे ऊपर, कहते हैं ना, इससे ऊपर दुनिया में कोई नहीं है जो इस करेक्टर पाजी ने किया। और इनको एक, इनकी सबसे बेस्ट पार्ट क्या है पाजी का, कि इनको एक बार समझाना पड़ता है, दूसरी बार की जरूरत नहीं पड़ती है, और उसको वो कॉपी पेस्ट कर देते हैं। संदीप जी, तगड़े